से आंधी आई एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे उठा रही है पूरा, ये छप्पर उठ रहा है, त्रिपाल एकदम पूरा फटके उधर चला गया। हम इस वक्त हैं यमुना के किनारे चिल्ला खादर गांव में। कल दिल्ली में आंधी आई, बारिश हुई, यहाँ लोगों के घरों की छत उड़ गई। किसी तरह से अपने अपने घर की छतों को संभाला, एक साथ मिल करके वापस किसी तरह से जोड़ा ताकि रात खुले में ना बितानी पड़े। घर का सामान भी गीला हो गया, लेकिन यहाँ पे लोग इन सब के बाद कह रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपने छत को वापस बनाएं, क्योंकि सरकार से मदद की उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। कल यहाँ पे आंधी आए थे, बहुत आदमी का घर एक तो उजड़ गया और किसी का उड़ गया, किसी के घर के ऊपर पेड़ गिर गया। इस तरह से जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और अब उड़ गया तो बाल बच्चे सब खुले मैदान में हो गए थे, तो हम लोग आपस में मिलकर कुछ घरों को जो है छप्पर फिर से डलवाए। अब देखिए हनुमान मंदिर टूट गया, मतलब इतना ज़बरदस्त आंधी थी कि कुछ कहने की बात नहीं। 6-7 आदमी का तो छप्पर ऊपर से उड़ गया था, खुले में बाल बच्चे लेकर के थे। नहीं तो सरकार की तो कोई सुविधा है नहीं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, यहाँ तो सब ढकोसला करके जाते हैं। यही मंदिर है। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि रात के 12 बजे आप फ़ोन करोगे, 12 बजे पहुँचूँगा, लेकिन जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। यहाँ की सारी दिक्कतें को मैं पूरा करूँगा, सारी दिक्कतें उससे भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अभी आंधी आई, तूफान आया, कहाँ से कहाँ क्या हुआ, हम लोगों को कहीं कोई पूछने तक नहीं आया है कि हाँ भाई आपके साथ क्या हुआ है। आने आया था, सारे ये झुग्गी झोपड़ी उड़ रहा था। हाँ। हम लोग भी पकड़ के से लटक गए थे, तभी भी हम लोग के भी उड़ा रहा था एकदम बिल्कुल। अच्छा, छत पकड़ के लटक गए? हाँ, छत पकड़ के हम लोग लटक गए थे। मेरा एक लड़का था 8 साल का, वो भी लटक गया था। हम भी दोनों मियाँ भी लटक गया था, तभी मेरा हम लोग का छप्पर उड़ रहा था। पानी पूरा उड़ गया उधर के, मतलब भग गया था ना, तो सारे हम लोग का कपड़ा गीले गीले हो गया, पूरे पानी आ गया। हम लोग बिछौना पे सोए थे, तब गीले पे सोए थे हम लोग। कैसी स्थिति है? कल तो आंधी आई तो एक विपता की घड़ी आई ना, 5 मिनट में ही ऐसे लीला कर दिया कि जैसे बुझा रहा था कि प्रलय हो रहा है। अगर एक आध घंटा होता तो हम लोग तो सब कुछ उड़ जाता। सिसोदिया जी जब आए थे यहाँ, ये हनुमान बाबा का देन है आज, समझा देना कि मैंने यहाँ का उप मुख्यमंत्री है और आगे बढ़ेगा और आगे पद मिलेगा उनको। लेकिन हनुमान बाबा को देखने तक भी नहीं आए, यहाँ प्रणाम करने तक भी नहीं आए, और यहीं धरती में बैठ के खा के गए थे और बोले थे कि ये रोड पक्का है, नक्शा में तुम लोग का घर यहीं बनेगा। आंधी आई एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे उठा रही है पूरा, ये छप्पर उठ रहा है, त्रिपाल एकदम पूरा फटके उधर चला गया। इनका ये झोपड़ी जो है यहाँ पे आ गई थी हवा से। अच्छा। और मंदिर की हालत देख ही रही है, मंदिर क्या है, ये रन बसेरे कितने मतलब मजबूती से बना हुआ है, लेकिन इतनी तेज आंधी आई थी उसका मतलब आदमी का कोई बस नहीं चलेगा, पूरे गीला नीचे में यहाँ से ये जब उलट गया ना तो इधर से पानी पूरा, ये सब ये सारा पानी सब कुछ जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाइट देंगे, बिजली देंगे, हर चीज की सुविधा देंगे। हमारे लोग को जीत लेता है, चले जाता है, जो भी जीतता है वही सरकार बन जाता है। हम लोग का क्या देगा गरीब का, कहता है बेलाम आदमी रहता नहीं है जबरा किनार पे। यहाँ पे होता क्या है कि बारिश के टाइम जब पानी भर जाता है तो भी लोगों को समस्या होती है, फिर आंधी तूफान आता है तो उस टाइम तो इनके सारे के सारे घर उड़ ही जाते हैं, तो सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिल पाती। लेकिन हमारे साथ में जो एनजीओस वगैरह हैं, लोग हैं, वो फिर कुछ सामान अरेंज करके इन्हें रिलीफ मटेरियल तारपोलिन वगैरह देते हैं। जैसे अभी साउथ दिल्ली से एक भाभी मैडम है और एक एनजीओ है जो सपोर्ट कर रहे हैं लोगों के लिए, तारपोलिन बेच रहा है। रिसेंटली अभी 2 महीने पहले भी यहाँ पे ऐसे ही तूफान आया था तो सारा नुकसान हो गया था लोगों का, तो सरकार की तरफ से जितना भी जिस बार नुकसान होता है कोई रिलीफ नहीं मिल पाती है लोगों को। तो क्या इस बार तारपोलिन लेने के लिए जितने चाहिए उतने मिल पा रहे हैं? नहीं, जितने लोगों को चाहिए जितना फट रहा है उतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने का जितना कोशिश करते हैं उतना हो पाता है। सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल पाता है किसी प्रकार। इस आंधी में सिर्फ लोगों की झोपड़ियों की छत ही नहीं उड़ी, यहाँ पे एक मंदिर था वो भी टूट गया, यहाँ एक नाइट शेल्टर है इस नाइट शेल्टर की छत भी उड़ गई। यहाँ पे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में पहले ही काम बंद था, पैसे नहीं थे, अब एक और नुकसान हुआ है। इस छत को वापस बनवाने का जो खर्च है वो भी शायद अभी यहाँ पे लोग उठा नहीं सकते हैं, पता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके
किसी तरह से अपने घर को वापस जोड़ रहे हैं। इनका सवाल यही है कि सरकार इनकी तरफ देखने कब आएगी और कब इन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।